देश भर में दशहरे का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। तस्वीरें हम आपको दक्षिण पश्चिमी जिले के वसंत कुंज BN56 दिखा रहे हैं, जहां पर युवाओं के द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। इस तस्वीरों में देखिए कि सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग जो हैं वो सम्मिलित हुए और उसके बाद जो है रावण दहन किया गया। युवाओं के द्वारा पिछले 15 सालों से जो है यहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है। तस्वीरें हैं वसंत कुंज के BN56 के JJ बंधु कैंप की, जहाँ पर देखिए किस तरीके से यहाँ पर रावण दहन से पहले इसकी तैयारियाँ करी गई हैं। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के जो पुतले हैं उसको भी यहाँ पर लगाया गया, उसके बाद उसका किस तरीके से दहन किया गया क्षेत्र के सम्मानित लोगों के द्वारा, और साथ ही जो आयोजक हैं, युवा पीढ़ी के जो आयोजक हैं उनके द्वारा किस तरीके की तैयारियाँ करी गई वो भी हम आपको सुनाते हैं कि रावण दहन को लेकर किस तरीके से जो तैयारियाँ वो करी गई। बुराई पर अच्छाई की जीत को लेकर देश भर में जो है रावण दहन का पर्व जो है वो मनाया जाता है। वहीं जिस तरीके से, क्योंकि नवरात्रों के बाद दशहरे के दिन 10वें दिन जो है रावण के वध के साथ साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का जो वध है वो किया जाता है, उसके पुतले जो दहन है वो किया जाता है। उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाने किस तरीके से पूरी तैयारी करेंगे, और यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ पर इस रावण दहन के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं, और उसके बाद आयोजक क्या कहते हैं आइए वो सुनाते हैं किस तरीके की तैयारियाँ हैं। कब से ये रावण दहन की जो प्रक्रिया आप लोगों ने कब से शुरू करी अपने JJ बंधु कैंप में? सर ये करीब हमें हो गया 9-10 साल के ऊपर ही हो गया, ये मतलब 2012 से हमने स्टार्ट किया था, 2012-13 से ही। तो मतलब ये एक हम फेस्टिवल मनाते हैं अपना। क्या मानते हैं कि आज के दिन जिस तरीके से रावण दहन करना क्यों जरूरी होता है, क्यों करते हैं आप लोग? सर वो इसलिए होता है कि आज के दिन ही मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी, जो हमारे जैसे रावण ने रावण का वध करके अपने मतलब जो बुराई है उस पर अच्छाई का विजय पाया था हमने। कितने लोगों का सहयोग रहता है, किस तरीके से कितने दिन से तैयारी करते हैं आप लोग यहाँ पर? सर हम कुछ 2-1.5 महीने से हम तैयारी करते हैं रावण मैंने मतलब बनाने की, तो हम अपनी मेहनत से बनाते हैं, अपना जो चीज़ हमारा मतलब जितना हमारा अंदर टैलेंट है हुनर है वो सब इसमें दिखाते हैं, इसमें हम खुद ही बनाते हैं। सर रावण को लेकर जिस तरीके से हमेशा देखा जाता है कि आतिशबाजी होती, क्या इसमें इस पुतले के अंदर भी कुछ आप लोगों ने तैयारी की? नहीं भैया, हमने कानून को ध्यान में रखते हुए इस बार ग्रीन पटाखे इस्तेमाल करे और बहुत कम इस्तेमाल कर रखे हमने ग्रीन पटाखे। अच्छा, इसलिए थोड़ा बहुत जो होता है ना थोड़ा शोर शराबा तो होता है, रावण जाना जाता है अपने आतंक के लिए, थोड़ा बहुत आतंक तो होना चाहिए ना उसका, इसलिए ग्रीन पटाखे सरकार को कानून ध्यान में रख करके ग्रीन पटाखे इस्तेमाल किए हमने इस बार। कितने लोगों का यहाँ पर आप लोगों की युवा में कितने लोगों का सहयोग रहता है? हमारे 10-15 लोग युवा सदस्य होता है, भैया लोग भी साथ देते हैं, ये सारे टीम वर्क मेरे सारे साथ में सहयोगी, ये सब साथ में रहते हैं, हम सब साथ में काम करते हैं। अच्छा, यहाँ आसपास में कहीं और भी रावण का दहन होता है, पुतला दहन? यहाँ आसपास में कहीं भी नहीं होता, थोड़ा आस पड़ोस में होता है बस, थोड़ा दूर दूर होता है। कितना यानी कि यहाँ पर देखते हैं कितना क्राउड आ जाता होगा हमेशा यहाँ पे? भैया 1500 से 2000 के आसपास आ जाते हैं लोग। अच्छा, आपके BN56 हाँ, और बाकी आसपास के लोग आ जाते हैं यहाँ पे? हम इसलिए भैया शुरुआत हमने इसलिए करी थी क्योंकि बहुत सारी जगह पर दूर दूर जाना पड़ता था हमारे यहाँ के लोगों को, तो हमने ध्यान में करते करते जाके बाकी ज़्यादा लोग को ज़्यादा ट्रैवल ना करना पड़े, इसलिए हमने यहाँ पर करना चालू करा ताकि हमारे यहाँ का नाम भी हो कि हमारे भी यहाँ पे कैंप वगैरह, हमारे यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते हैं। दिल्ली पुलिस का कितना सहयोग मिलता है आप लोगों को? दिल्ली पुलिस का पूरा भरपूर सहयोग मिलता है भाई यहाँ पर हमारे।